कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर में स्थित प्रेम बाग मंदिर प्रांगण में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर्मचारियों ने लंबित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सरकार से जिन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उनमें भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को 4% समयमान वेतनमान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता समेत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने का भी मुद्दा शामिल है। वहीं इस विषय को लेकर फेडरेशन के संभागीय सह संयोजक राजेंद्र सिंह का कहना है कि अगर फेडरेशन की ये मांग पूरी नहीं होती है तो आगे हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। हम लोग का जो आंदोलन ये चौथे चरण का है, हम लोग 4 चरणों से लगातार फकीर की तरह इस सरकार से मांग कर रहे हैं अपनी जायज मांगों के लिए। हमारी पहली मांग जो है वो डीए का है, जो केंद्र के समान हमको दिया जाए। दूसरा हमारा मांग है, जो कि इनकी घोषणा पत्र में रहा है, मोदी की गारंटी में उन्होंने कहा था कि हम कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान प्रदान करेंगे। तीसरा हमारा जो मांग है वो गृह भाड़ा भत्ता को लेकर के है कि पुनरीक्षित हमको जो है गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। चौथा हमारा मांग है कि सभी 240 दिन हम लोगों को जो मिल रहा है अर्जित अवकाश, उसको जो है 300 दिन नकदीकरण के रूप में हमको दिया जाए। और इसके लिए हम लोग पहले चरण में सचिवालय मंत्रालय इसमें हम लोगों ने किया, दूसरे चरण में हम लोगों ने सारे मंत्री विधायक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि सम्मानीय थे उनके माध्यम से हम लोग शासन तक अपनी बात को पहुंचाने का कोशिश किए। मैं सीता कुजूर स्वास्थ्य विभाग से हूं और हमारी 4 सूत्रीय जो मांग है हम सरकार से आज काम बंद कलम बंद के रूप में हड़ताल कर रहे हैं। सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे।